वंदेतु सर्वसिद्धि धूमचल मनोभवं गतिं पाते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली फणिदम। ये जो है समय सार परमागम, उसका पहला अधिकार जीवा जीवाधिकार, उसमें 68 गाथाएं थी, 68 गाथाएं थी जिनका हमने स्वाध्याय विगत दिनों में किया है। और अब इसके बाद में जब भी अधिकार समाप्त होता है, ये जरूरी नहीं कि अभी पहला अधिकार है इसके लिए, मतलब पूरे ही हमेशा के लिए बता रहा हूँ, आगे भी जितने भी अधिकार आएंगे उन अधिकारों की जब भी समाप्ति होगी हर अधिकार की, और हर अधिकार की स्टार्टिंग होगी तब भी, हर अधिकार की शुरुआत में भी और अंत में भी, दोनों ही टाइम पर जो इसके टीकाकार है आचार्य अमृत चंद्र देव, वे जो है अनेक कलश लिखते हैं एक साथ धड़ल्ले से, कई कई कलश, समापन हुआ ना तो अब समापन के लिए उन्होंने कई कलश लिखे हैं, है ना। हाँ, कभी हम समय सार के बाद जो है आपको नए चक्र की भी कोई बात बताएंगे, है ना, देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कई कलश हैं, आज जो है उनमें से 40 कलश हमारे हुए, अब 41 नंबर का कलश हम पढ़ते हैं। अनाद्य अनंत मचलम स्वसंवेगम स्फुटम जीव स्वयं तु चैतन्यो मुच्यैश्चक्य कायते, स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। स्वानुभूति में जो प्रकट, यानी कि प्रकट तो है लेकिन आंखों से नहीं दिखेगा, बताओ किस काम का प्रकट, जो चीज सामने नहीं है वो काय की प्रकट। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग नहीं मानते क्योंकि वो प्रकट नहीं है, दिखते नहीं है, है? एक बार एक पंडित जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो सामने की सीट पर कुछ नौजवान 4-5 युवक बैठे हुए थे, और वो जब भी स्टेशन पे गाड़ी रुकती उतरते और कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें ले लेकर के खाते पीते, कोई 8-10 बार पूरे दिन भर में उन्होंने कुछ खाया कुछ पिया, और ये पंडित जी तो बिल्कुल कुछ नहीं खाए कुछ नहीं पिए बैठे रहे। जब संध्या का समय हुआ तो अपना जो है टिफिन निकाला खाने लगे, तो वो नौजवान मजाक मजाक में कहने लगे कि पंडित जी आप क्यों इतना कष्ट दे रहे हो अपने आप, क्यों इतना कष्ट देते हो, क्या स्वर्ग वर्ग आपने देखा है क्या, कि जिस स्वर्ग के लिए आप ये सब इतना सब संयम नियम करते हो, खाना नहीं खा रहे, देखो हम कितने मजे करते हैं, हर स्टेशन पर उतरते हैं आनंद करते हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा कि ठीक है, स्वर्ग नरक किसने देखे हैं, ठीक है, माना कि वो नहीं है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है नहीं है, तो मेरा क्या घट गया, मेरा क्या घट गया और तुम्हारा क्या बढ़ गया, मैंने कुछ नहीं खाया दिन में है बैठ करके शांति से रहा तो मेरा तो कुछ नहीं घटा, बल्कि मैं तो शांति से बैठा रहा, तुम ही परेशान होते फिरे कब गाड़ी रुकेगी, कब कुछ खाने के लिए मिलेगा, कब कौन आएगा, है तो आप ही इधर से उधर भागते फिरते हो, आपको आकुलता है, बल्कि आप ही को परेशानी है, मुझे तो क्या परेशानी है, स्वर्ग नरक हो या ना हो वो बात की बात, लेकिन एक मिनट तुम ये कल्पना करो कि यदि स्वर्ग नरक हुए सच में हुए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तुम तो अभी जो है ये समझ कर कि स्वर्ग नरक शायद नहीं है इसलिए तुम जो है अनाप शनाप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी चेष्टा कर रहे हो, बहुत स्वच्छंद हो गए हो, है ना, लेकिन एक मिनट कल्पना करो यदि सच में स्वर्ग नरक हुए तो तुम्हारा क्या होगा। है कि नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, सामने नहीं है लेकिन फिर भी है, अब आत्मा है अरस अरूप अगंध है वो आंखों से दिखता नहीं लेकिन है तो है, कोई क्या कर सकता है। दुनिया में एक दर्शन ऐसा है चार वाक दर्शन, वो ये कहता है कि मुझे तो जो सामने दिखेगा मैं वही स्वीकार करूंगा, इसलिए वो परलोक नहीं मानता, पुनर्जन्म नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, पाप पुण्य नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, स्वर्ग नरक भी नहीं मानता, ऐसा दर्शन है वो। लेकिन अपना जैन दर्शन ऐसा नहीं है, वो कहता है कि आत्मा कैसी है, अनादि अनंत, अनादि अनंत है, अनादि से है, अनंत काल तक है। ऐसी ऐसी बात मेरे दिमाग में आती है कि मैंने अभी
एक जगह पर ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न पड़े थे कि मैं उनको बोल करके तो कैसे बताऊं, जितना मुझे याद है मैं उतना बताता हूं। कि ऐसा प्रश्न पूछा गया कि सर्वज्ञ भगवान जब सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ जान लिया ना, कुछ बाकी नहीं, यहाँ नहीं, सब सब जान लिया, तो हमें ये बताओ कि उन्होंने अनादि काल है तो अनादि में सबसे पहले कौन सा था, वो जान लिया कि नहीं जान लिया, कि नहीं जाना, कि नहीं जाना तो फिर काय बात के सर्वर, अनादि का पहला कौन सा है वो नहीं बता सकते तो फिर किस बात के सर्वर। कि यदि वो, फिर उसका उत्तर सुनो, किस बात के सर्वर, इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि सर्वज्ञ देव ये बता देवे कि ये पहला है तो फिर अनादिपना सिद्ध नहीं होगा। क्या समझ में, अनादिपना सिद्ध नहीं होगा, फिर उसकी शुरुआत माननी पड़ेगी क्योंकि वो पहला था, समझ में आई। इसलिए सर्वज्ञ भगवान भी कौन चीज पहली है, कौन सी घटना पहली है वो नहीं बता सकते, तो फिर शिष्य करने वाला फिर पूछता, अरे तो फिर सर्वज्ञता का क्या फायदा हुआ, ये कैसे क्या तो उत्तर फिर दिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे, वो बड़े मजेदार प्रश्न थे, उसमें यही उत्तर दिया कि सर्वज्ञ भगवान अनादि को अनादिपने ही जानते हैं, आदिपने नहीं जानते। यदि आदिपने जान लेवे तो उनका ज्ञान झूठा हो जाए, तो ज्ञान तो झूठा नहीं है, सच्चा है, इसलिए वे अनादि को अनादि रूप से ही जानते हैं, यही इसका उत्तर है। देखो ऐसी विचित्र बात है, जब ऐसे प्रश्नों को मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा केवल ज्ञान तो झटपट प्रकट हो जाए तो मजा आ जाए, देख लें हम क्या हो जाए। लेकिन ये इच्छा भी राग की इच्छा है, जानने की जिज्ञासा भी राग की इच्छा है, आज है, जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन तो वो इच्छा भी नहीं रहेगी, पहले इच्छा मरेगी उसके बाद ही केवल ज्ञान होगा। आपको पता है पहले केवल ज्ञान हो जाए और इच्छा नहीं मरे तो क्या होगा, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, दुनिया में इतनी चीजें दिखेंगी और आपकी तृष्णा, आपका लालच, आपकी इच्छाएं वो तो खत्म है नहीं, तो आप तो हाय तोबा में परेशानी हो जाएंगे कि अरे वहां ऐसा वहां ऐसा। तो इस प्रकार से एक एक छंद पर काफी कुछ कहा जा सकता है। अनादि अनंत अचल हूं, देखो कितने विशेषण है इसमें, अनादि अनंतम अचलम, अनादि हूं अनंत हूं। देखो दुनिया में विविध दर्शन है और उन सबकी ये मान्यता है, खासकर जो मुख्य रूप से 6 संप्रदाय हैं वैदिक दर्शन के, उन सबकी ये मान्यता है कि इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया है, विष्णु जी उसकी रक्षा करते हैं और महेश यानी शिव शंकर उसका संहार करते हैं, नष्ट कर देते हैं। सृष्टि बनती है फिर नष्ट हो जाती है, बनती है फिर नष्ट हो जाती है, 100 करोड़ के जन 100 अरब वर्षों के बाद में जितनी आत्माएं मुक्त होती हैं उनको वापस कर्म काली माँ से और करके और संसार में डाल देते हैं। चलो जी क्या फायदा हुआ, ऐसे मोक्ष की भी एक्सपायरी डेट बना रखी है उन्होंने, मोक्ष की भी एक्सपायरी डेट तो ऐसा है लेकिन वो कहते हैं अपना जैन दर्शन कि एक बार जिस जीव का मोक्ष हो गया वो अनंत काल के लिए हो गया, परमानेंट शाश्वत सुख है वो, ऐसा आत्मा कैसा है, स्वानुभूति से ही प्रकट है, ना तो उसको ब्रह्मा जी बनाते हैं ना महेश जी बिगाड़ते हैं, आत्मा को बनाते हैं क्या, कोई कोई नहीं बनाते। अनादि से जितनी आत्माएं इस संसार में है उनमें से एक भी तो कम नहीं हुई और एक भी ज्यादा नहीं हुई, एक परमाणु ना घटता है ना बढ़ता है, अनादि से जितने थे उतने आज हैं उतने अनंत काल में रहेंगे, ऐसी गजब की व्यवस्था है। क्योंकि हर द्रव्य के अंदर अस्तित्व नाम का गुण, हर द्रव्य के अंदर अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब ही यही है ना, जिसको कोई पैदा कर सके ना नष्ट कर सके, ऐसा आत्मा है मेरा, ऐसे आत्मा की महिमा, नरकों में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लेकिन आत्मा के टुकड़े हो ही नहीं सकते, आत्मा अखंड है, अनादि है, अनंत है, ऐसा आत्मा स्वानुभूति से प्रकट है। किससे प्रकट है, आंखों से प्रकट नहीं है, छूके नहीं देख सकते आप, आंखों से नहीं देख सकते, कोई आवाज नहीं आएगी उसमें से, ध्वनियां नहीं निकलेगी, कोई बढ़िया मधुरिम तान संगीत ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अनुभूति में है, स्वयं संवेद्य संवेदन होगा उसका, फीलिंग आएगी अंदर में। आप तो स्वाध्याय जैसे करते हो ना, अपन जैसे अपन समाचार पढ़ते हैं 40-50 मिनट, तो ऐसे ही आप 50 मिनट ध्यान करो हर रोज, ध्यान की अद्भुत महिमा है। ये बात ऐसी है जिसको मैं कह तो रहा हूं, मैं खुद अपने आप पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं कह तो रहा हूं, अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि ध्यान की अद्भुत महिमा है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं
वो पढ़ने तक सीमित नहीं रखो, उसको कहीं ना कहीं प्राप्त। देखो इसी समय सार में आया था ना कि 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है। आप 48 मिनट का एक अंतर्मुहूर्त होता है, हैं बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 मिनट का ध्यान हर रोज करो आप, और 6 महीना करो भाई। 48 मिनट तो क्या है, फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, ये फोन ही है सबसे बड़ी आफत सबसे बड़ी आफत ये फोन है, इसने हम सबको एकदम परेशान कर रखा है। तो इस फोन को स्विच ऑफ कर दो और 48 मिनट के लिए हर रोज 6 महीने तक ध्यान करो, कोशिश करो उस आत्मा को जानने की, फीलिंग करो। आपको कैसे करें, कैसे जाने, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समय सार पढ़ रहे हैं जिसमें शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, कैसा शुद्धात्मा है। आपको देखो कितनी बढ़िया बात समझ में आई कि वो अध्यवसान नहीं है, अध्यवसान की संतति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बता दिया ना, वर्णादि नहीं है, रागादि नहीं। तो आप जब भी ध्यान करने बैठो, यदि आपको लगे कि ये काला काला दिख, नहीं नहीं ये वर्णादि है, ये वर्णादि है, ये मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता, ये राग हो रहा है। जैसे मान लो पूजा के भाव आए, भक्ति के भाव, नहीं नहीं ये रागादि है, ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोह कर्म के उदय से होते हैं। ऐसे आपको जो है फीलिंग करनी है एक एक कलश पर। मैं तो बड़ा स्पीड से चल रहा हूँ वैसे तो, एक एक कलश पर काफी कुछ है बात। तो कहने की बात यह है कि स्वानुभूति से जो प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत, जगमगाता है। कैसे जगमगाता है कि जैसे हीरे में से किरण निकलती है, रे निकलती है, हीरे में से प्रकाश की किरण, उसको बोलते जगमगाना। तो क्या ऐसे किरणें निकलती आत्मा से, यदि निकले तो फिर वो रूप ही हो जाए कि नहीं है, वैसा नहीं। यहाँ जगमगाने का अर्थ वैसा नहीं है, जगमगाने का अर्थ प्रकाश नहीं है, जगमगाना माने प्रकट होना, ख्याल में आना, अनुभूति में आ जाना, उसी को जगमगाना कहते हैं, है ना। इसी का समय सार नाटक में कैसे किया देखो, निराबाद चेतन अलख जाने सहज स्वकीय अचल अनादि अनंत नित प्रगट जगत में जीव, प्रगट जगत में जीव। निराबाद चेतन अलग, निराबाद यानी अव्याबाद, कि किसी से कोई बाधा नहीं होती जीव को। अभी तो हमें बाधा होती है, हम दीवार से टकरा जाए, अंधेरा हो नहीं दिखे, दीवार से टकरा जाए। लेकिन जब जीव मुक्त हो जाता है संसार से तो किसी से नहीं टकराता, किसी से नहीं टकराता, मृत्यु होने पर भी नहीं टकराता, विग्रह गति में टकराता है क्या, विग्रह गति में कहीं नहीं टकराता है। नरक में जन्म लेना हो जाके तो इतनी बड़ी चित्रा पृथ्वी है, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग, 180,000 योजन में जितनी मोटी पृथ्वी, उसको भी पार करके चला जाता है तो अव्याबाद जीव है कि नहीं। लेकिन जीव तो है ही वो तो तेजस कारमान कर्म साथ में रहते हैं ना, दो शरीर विग्रह गति में, इसलिए उसको जाने दो। कहने का मतलब यह है कि जीव अव्याबाद है, चेतन है, अलख, अलख माने अमूर्तिक है, अलख, लख यानी देखना, अलख है नहीं दिखता, नहीं दिखता माने अमूर्तिक है। जाने सहज स्वकीव, सहज स्वकीव यानी अपने आप को जानने वाला है, ज्ञायक है, ज्ञायक है। अचल अनादि अनंत, अचल देखो, अचल शब्द इधर भी आया, मैंने समझाया नहीं, अचल का मतलब है देखो, ये आप में से रवि जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एक प्रश्न मेरे को पूछा था जब क्रमबद्ध पर्याय में पढ़ा रहा था, तब प्रश्न ये पूछा था अचल, तो मैंने उसमें एक प्रश्नोत्तरी में प्रश्न डाल दिया था कि कितने द्रव्य अचल हैं। तो भाई जीव पुद्गल तो चलते फिरते हैं और 4 द्रव्य अचल हैं। अब इन्होंने वो क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में बकायदा रेफरेंस निकाल के पेज नंबर दिखाया मेरे को, वहां लिखा कि सभी द्रव्य स्वभाव से अचल हैं क्या देखना, आप अपेक्षा पकड़ना, सभी द्रव्य स्वभाव से अचल हैं। बताओ स्वभाव छोड़ सकता है क्या कोई द्रव्य, नहीं छोड़ सकता। हमने जो प्रश्न वहां पूछा था वो क्षेत्रगत, क्षेत्र की अपेक्षा से अचल, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाए, एक जगह से दूसरे जगह चलना फिरना नहीं हो सके, ऐसे द्रव्य तो 4 ही अचल। लेकिन यदि स्वभाव की दृष्टि से देखें तो पूरे 6 द्रव्यों में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो अपना स्वभाव छोड़ दे। कभी जीव अजीव बन सकता है, कभी कितने भी वर्ष, कभी कि नहीं नहीं कभी नहीं बने। अच्छा अजीव जीव बन सकता है, नहीं बन सकता। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को अनंत काल में भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए अचल है, सभी द्रव्य अचल है। देखो शास्त्रों में एक जगह लिखा है सभी द्रव्य अचल, एक जगह लिखा 4 ही द्रव्य अचल है,
अपेक्षा की बात है, कितने बढ़िया बात है। तो निराबाध चेतन अलख जाने सहज स्वकीय अचल अनादि अनंत नित प्रकट जगत में जीव। दो ही लाइन का तो कलश है जरा सा, लेकिन इसमें माल भर दिया है। इतनी सारी बातें हैं इसी कलश में जो आत्मानुभूति से प्राप्त है ना, इस शब्द को पकड़ के दादा ने वो लिखा, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, है कि नहीं? तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये भगवान आत्मा की बात चल रही है। अगला कलश देखो 42 नंबर का। संस्कृत नहीं पढ़ता हूं, हिंदी पढ़ देता हूं। चारदूल विकृत छंद बड़ा जोरदार होता है, लेकिन मैं हिंदी पढ़ देता हूं। मूर्तिक अमूर्तिक जीव जग दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण ना बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने, कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित, अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अत अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। कलश तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसके पिछले वाले जो कलश में एक अलग शब्द आया, उसका अर्थ अभी आप में से कोई पूछ रहे हैं प्रश्न, तो अलख माने होता है अमूर्ति, लख माने देखना, है ना, और अलख माने नहीं देखना, नहीं दिखाई देता, जो दिखाई नहीं देता आंखों से दिखाई, दिखाई नहीं देने का मतलब भी क्या, हमारी आंखों से नहीं दिखता, मति ज्ञान से नहीं दिखता, श्रुत ज्ञान से नहीं दिखता, इसका मतलब ये मत समझ लेना केवल ज्ञान से भी नहीं दिखता। केवल ज्ञान से भी नहीं दिखेगा तो फिर होगा कैसा वो जीव, केवल ज्ञान से तो दिखता है, है? केवल ज्ञान की अपेक्षा मूर्ति, देखो केवल ज्ञान की अपेक्षा तो मूर्ति कह सकते हैं अपन उसको, लेकिन है अमूर्ति, क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की अपेक्षा अमूर्ति, ऐसा। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव दो प्रकार, 42वां कलश कह रहे हैं। पूरे 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य तो है मूर्तिक और बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक, तो दो दो भाग हो गए कि नहीं? और ऐसे भी कह सकते हो एक द्रव्य जीव है और 5 अजीव है, ऐसे भी कह सकते हो। ऐसा भी कह सकते हो एक द्रव्य अस्थिकाय नहीं है बाकी 5 अस्थिकाय है, ऐसे विभाजित कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार के, यहाँ अजीव द्रव्यों की बात है, जीव को तो साइड में रख दो आप, अजीव द्रव्य भी दो प्रकार के हैं, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। इसलिए अमूर्तिक लक्षण जीव का बनी नहीं सकता, क्योंकि अजीव का वो जीव का लक्षण जब हम अमूर्तिक बना देंगे तो धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, तो पहचान कैसे करेंगे ये जीव है कि धर्म द्रव्य, ये जीव है कि काल द्रव्य, कैसे पता करेंगे? इसलिए वो लक्षण नहीं बन सकता। बताया था ना अति व्याप्ति दोष आ जाएगा, जीव तो पकड़ लाओगे आप हैं, लेकिन साथ में धर्म द्रव्य को भी ले आओ, कह दो ये भी आपने कहा था अमूर्तिक होता है, अमूर्तिक है, लो जी ये भी जीव होगा, फिर मैंने तो यही समझा, तो इसलिए वो लक्षण नहीं बन सकता। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा निर्दोष लक्षण, क्या निर्दोष लक्षण की चैतन्यमय उपयोग उपयोगो लक्षणम, ऐसा जो है तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा, 8वां सूत्र 2 अध्याय उसमें कहा उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोग माने वापरना नहीं, उपयोग माने चेतना, ज्ञान दर्शन वाली चेतना, जानना देखना ज्ञाता दृष्टा रहना, वो जीव का स्वभाव है। अब अगला जो अधिकार शुरू होएगा ना वो तो कर्ता कर्म अधिकार शुरू होएगा, वो कह रहा है कि जीव कर्ता धर्ता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, ऐसी बात है। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों, ये इसकी चर्चा अपन पिछले व्याख्यान में कर चुके, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ ज्यादा क्या करूं, कोई जिज्ञासा हो नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, तब तो मैं कर दूंगा विस्तार, लेकिन मुझे लगता है मैंने कर दिया था अति व्याप्ति अव्याप्ति असंभव, और भी एग्जाम्पल हो सकते है, बहुत एग्जाम्पल हो सकते है उसके, है ना। चैतन्य में उपयोग लक्षण जीव, अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, अवलंब अवलंबन माने होता है सहारा, सहारा लो इसको पकड़ लो, कैसे? अविलंब, विलंब यानी कि देर लगा दो, टाइम लगा दो, खूब टाइम ले लिया, और अविलंब यानी बिना टाइम लगाए, सोचो मत, टाइम मत लगाओ, तुरंत पकड़ लो, तुरंत इसका आश्रय ले लो, किसका? चैतन्यमय आत्मा, चैतन्यमय आत्मा का अवलंबन। ये जगत का जंजाल ऐसा है कि आदमी कुछ भी चाह करके इस आत्मा का चिंतन 2 घड़ी भी नहीं कर पाता, इतना 24 घंटे का दिन है, है? उसमें दो दो घड़ी ये नहीं निकाल पाते, बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन कह रहे कि आप अवलंब छोड़ो, जगत जंजाल छोड़ो, इस आत्मा का आश्रय ले लो, क्योंकि यह भाव ही है जीवन, इस जीव का, जीव का जीवन। देखो ये लाइन ऐसी है, क्या करें व्याख्या करें तो बहुत समय लगता है। जीव का जीवन, बहुत बढ़िया बात कहती, जीव का जीवन। अभी हम क्या समझते हैं कि हम खाना खाएंगे, शरीर को विटामिन्स देंगे तो हमारा शरीर चलेगा। हम कितने उपाय करते हैं, वैक्सीन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना साफ काम करते हैं, अच्छा अच्छा कैल्शियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, जिंक लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। किसके लिए? हिसाब जीवन चलता, जीवन के लिए करें ना। तो ये जीवन किसका चलेगा, शरीर का कि जीव का? शरीर का जीवन चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जीव का जो जीवन है वो तो उसका चेतनमय ही है। ये बात द्रव्य संग्रह में दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार गिनाए थे, उनमें पहला ही अधिकार जीवत्व अधिकार है, पहला ही अधिकार। उसमें क्या कहा, इंद्रिय बल माओ आण पाणो यह व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जसो। ये गाथा है कि नहीं, तीसरे नंबर की गाथा है। दूसरे नंबर की में 9 उपयोग, 9 अधिकार गिनाए जीव के, तीसरे में पहला अधिकार यानी कि जीवत्व अधिकार वो बताया, और कहा कि जो इंद्रियां है, जो बल है, जो आयु है, जो श्वासोश्वास है, ये तो शरीर का जीवन है। ये तो व्यवहार से जीव को कहते हैं कि ये जीवन जी रहा है, लेकिन असली जीवन दुचेतना जस, कि जिसकी चेतना है, चेतना वही जीव का जीवन है, उसी से जीता है। यदि चेतना हो गई खत्म, समझो जीव मर गया। जीव तो कभी मरता नहीं है, अजर अमर। जीव नहीं मरता, शरीर मरता है। मरता है का मतलब क्या, मरता है का मतलब क्या, मरता है का मतलब है सारे संयोगों का एक साथ बिछड़ जाना, और कुछ भी नहीं। मरना माने और कुछ नहीं होता, मरना का अर्थ कुछ भी नहीं होता, मरने का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि आपके जितने भी संयोग हैं उन सब का एक साथ परिवर्तन, खत्म। इसी को मरण बोलते हैं, और कुछ नहीं। एक चीज खो जाए, दूसरी चीज खो जाए, तीसरी चीज खो जाए, और एक साथ सारी चीज खो जाए, तो हो गया मरण। इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार ये जीव का जीवन, इसका बनारसी दास वाला भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। पढ़े क्या, समय के ऊपर है, देखते हैं थोड़ा, चलो पढ़ देते हैं। रूप रसवंत मूर्ति के एक पुद्गल, रूप बिनु और अजीव दर्व दुदा है, चारी है अमूर्तिक जीव भी अमूर्तिक, चार है अमूर्तिक और जीव भी अमूर्तिक। पुद्गल को छोड़ दो, बाकी चार तो, जो चार अजीव बचे वो अमूर्तिक है, जीव भी अमूर्तिक है। यही तो अमूर्तिक वस्तु ध्यान होना है। अच्छा देखो, आप आत्मा ध्यान करने बैठ गए और ऐसा ध्यान करो, मैं तो अमूर्तिक हूँ, मैं तो अमूर्तिक हूँ, मैं तो अमूर्तिक हूँ, क्या होगा? गलत है। अमूर्तिक का ध्यान करना भी गलत है। देखो इतनी खोल खोल करके आत्मा का स्वरूप समझाया जा रहा है। और सोने कब हूं प्रगट आप हुईसो, ऐसो थीर चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। सुधा माने अमृत। देखो अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में है कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, देखा है कि कभी किसी ने अमृत देखा है, होता है क्या? अच्छा अमृत का क्या क्या किस लिए पीते मालूम है आप? नेक्टर बोलते शायद अंग्रेजी में अमृत, कि जिसको पी लेने पर व्यक्ति मरे नहीं, यही है ना इसका मतलब। तो ऐसा कोई है क्या, कोई कोई आदमी ऐसा देखा आपने जो जीवन में कभी आज तक मरा नहीं हो? यानी कि अमृत नाम की कोई चीज शायद ही है। तो फिर अमृत क्या चीज है? कि अमृत यही तो है, ये जो चेतन है यही तो अमृत है, समझ गए? इसी के लिए अमृत शब्द का प्रयोग हुआ है। जब भी अमृत की बात आए तो समझो कि चेतन को पहचान लेना वही अमर हो गया, सिद्ध भगवान है। देखो अमृत तो किन्होंने पिया है, कि सिद्धों ने पिया। क्यों? क्योंकि वे ही अमर है, तो कभी नहीं मरते। एक बार उस दशा को प्राप्त होने के बाद कभी भी उस दशा से चलाए मान नहीं होते, इसलिए वे हैं अमृत, सच्चे अमृत तो उनको मिला। हम लोग तो ऐसे काल्पनिक अमृतों की बात करते हैं ऐसा। चेतन को अनुभव राधे जग तेई जीव, जिनको अखंड रस चखबे की छुदा है। छिदा माने भूख, जिनको अखंड रस पीने की यदि भूख है, सच्ची भूख, तो उनको ही आत्मा का आनंद मिल सकता है। और जिनको जगत के विषयों की अभी भूख है, उन्हीं में आनंद आता है, तो फिर समझो आत्मा दूर है। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद
कि जिसको ललक हो, जिसको तीव्र आकांक्षा हो, उसी को आत्मा का आनंद मिलेगा है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। जो तीन प्रकार के जो लक्षणों के लक्षण, लक्षण के जो लक्षण बनाने के जो तीन दोष बताए थे ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। हालांकि पिछली कक्षा में बात की है और रिपीटेशन से मैं बचता हूँ, बहुत बचने की कोशिश करता हूँ है ना। लेकिन यदि आपको चाहिए उनके बारे में जानकारी तो आपकी हिंदी की पुस्तक में 472 नंबर के पेज पर दूसरे पैराग्राफ में पूरे तीनों लक्षणों के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहां से देख लेना। 472 नंबर पेज हिंदी की पुस्तक दूसरा पैराग्राफ। इसके बाद देखिए इसमें ये कहाँ है, वैसे इसकी व्याख्या में ही बात आई, चलो जाने दो। 43 में क्लस पे आते हैं, 43 नंबर का क्लस। वसंतिली का छंद है, जैसे भक्तामर पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं इसको। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, ये लय है इसकी। जीवाद जीव मिटि लक्षण तो विभिन्नम, ज्ञानी जनोनुभवति स्वयं उल्लसंतम, अज्ञानिनो निरवधि प्रविजं भृतोऽयम्। मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति, ऐसा है। ये जीव और अजीव की जो लक्षण है उनके बारे में बताया जा रहा है। देखो, जीवात जीवम इति लक्षण तो विभिन्नम है। संस्कृत जब तक नहीं सीखते थे तो बहुत कठिन लगती थी, सीखने के बाद वो आसानी समझ में भी आ जाती है। कोई भी चीज हो जब तक नहीं सीखते तब तक कठिन है, है ना। अब मूल संस्कृत पढ़ने पर ही काफी अर्थ समझ में आ जाता है। जीव से अजीव भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि लक्षण भिन्न है। लक्षण तो विभिन्न, लक्षण के कारण भिन्न है। आप जीव का लक्षण देखो चेतन है, अजीव का लक्षण अचेतन है। एक जड़ है एक चेतन है, कितना बड़ा सीधा सदा बात है। तो लक्षणों से वो भिन्न भिन्न ज्ञानियों को दिखाई देता है, तो भी अज्ञानी जीव पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे। ये ऐसा सेंटेंस है कि जिसको गाड़ी चलानी आती है ना, तो वो यूं समझता है, अरे कितना इजी गाड़ी चलाना है, इसको क्यों नहीं आता है, ऐसा लगता है ना। जिसको जो चीज आती है वो दूसरे के लिए सोचता है, यार इतना इजी है, कुछ भी तो नहीं है उसमें, कुछ भी तो नहीं है एकदम, ऐसा लगता है ना। जिसको जो चीज आ जाती है लगता कुछ भी तो नहीं है, संस्कृत कितनी ईजी है। हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन अगले को कितना भारी पड़ता है भाई, उसके लिए तो पहाड़ जैसा लगेगा। जब तक जो चीज नहीं आएगी पहाड़ जैसा लगता। तो ज्ञानियों को वो आत्मा तो प्रकट हो गया, लेकिन अज्ञानियों को इतना समझा रहे, इतना समझा रहे, इतना समझा रहे, तो भी समझ में नहीं आ रही है बात। तो वे जो आचार्य है ये खेद प्रकट कर रहे कि पता नहीं इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसा। देखो हिंदी पढ़े तो आपको मजा आए। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, जब स्वयं से ही ज्ञान जन भिन्न भिन्न ही है जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर यादित मोह है, अरे तब भी नाचता क्यों, खेद है आश्चर्य है। देखो नीचे की लाइन जो अंतिम लाइन है चौथी, उसमें क्या कहा, खेद है आश्चर्य है। आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं आचार्य देव, कह रहे हैं कि देखो क्या हुआ कि जैसे जिसको गाड़ी चलानी आती है ना, और जिसको नहीं आती उसके लिए वो सोच, अरे यार कितना इजी है, इसको क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि आचार्य देव को तो वो भेद विज्ञान हो रखा है, ठीक है, उनको तो एकदम सहज पता लग गया, और उनको लगता है कितना इजी है, कितना स्वावलंबन है, आत्मा को झट से दर्शन कर लो, कुछ भी तो नहीं है, एकदम इजी है, और इन लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है नहीं। तो वो कह रहे खेद है आश्चर्य, ये कहां से आया, तत्कथम महो बत नान टीति, नीचे की लाइन है ना संस्कृत में, उसी का हिंदी पर जानवाद। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को, जब स्वयं ही से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते ही नहीं, मानते भी है, जानते भी है, स्वीकार भी करते हैं, और अजीव से नाता तोड़ के जीव में नाता जोड़ते भी हैं, इतना सब काम कर लेते हैं, और फिर भी जगत में जो अज्ञानी है उनको ये बात समझ में नहीं आती, ये किसका किस कारण, कि ये उनका मोह है, अमर्यादित मोह, अमर्यादित यानी असीमित, असीमित माने अनंत, समझ में। अमर्यादित शब्द क्यों लगाया, अनंतानुबंधी कसा है ना, इसके लिए अनंतानुबंधी, अनंत जिसका कोई अंत नहीं,
तो मर्यादा जिसकी नहीं उसको बोलेंगे क्या, अमर्यादित। अमर्यादित मोह यानी कि अनंतानबंदी कसाई के साथ रहने वाला जो मोह है, मिथ्यात्व है, उसी की ये महिमा है। क्यों नहीं आ रहा है आत्मा? क्योंकि ये मोह है, ये नहीं आने दे रहा, ये है मोह। देखो मोह की भी महिमा शब्द का प्रयोग किया मोह के साथ। मोह भी कैसा है ये मोह? महिमा। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा ना अपन इसके पहले, उसके चौथे अधिकार की सबसे अंतिम हेडिंग वो है मोह की महिमा। हेडिंग ही है मोह की महिमा। कहे अरे मोह की भी महिमा, अरे महिमा तो सम्य दर्शन की गाओ, मोह की क्या महिमा गाना। कि मोह की भी ये महिमा है कि वो जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देता है। जो दुर्जन है, जो खलनायक है, उसकी महिमा भी बढ़ा करके इसलिए बताई जाती है कि ऐसे खलनायक को जीतने वाला और कितना बड़ा महान होगा। तो अपने आप नायक की महिमा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? राम की महिमा बढ़ानी हो तो पहले रावण का खूब वर्णन करेंगे कि रावण ऐसा वीर था, यमराज को जीत लिया था, है? और फिर क्या कहेंगे कि वैसे रावण को राम ने भी जीत लिया, तो राम की महिमा बढ़ेगी कि नहीं? और नहीं तो कोई कहे अरे रावण क्या था, कुछ नहीं था, ऐसे ही था, कुछ नहीं, एक हवा के झोंके से उड़ जाएगा, कुछ नहीं, ऐसे रावण को जीत लिया, तो बताओ राम की महिमा होगी नहीं होगी? पहले रावण की महिमा बताई जाती है, फिर राम की महिमा बढ़े। ऐसे ही पहले मोह की महिमा बताई जाती है, तब जाकर के उस मोह को जीतने वाले की महिमा बढ़ती है। तो ये मोह की महिमा है, और वास्तव में अनादि काल से आज तक कितना समय निकल गया इस मोह के कारण, आज तक हम अपने आत्मा को जान नहीं पाए। जब है ये ऐसा अवसर आया है, ऐसा मनुष्य जीवन मिला है कि हमको इस मोह को जानने के लिए कुछ प्रयास तो करना चाहिए, है? चेतन जीव अजीव अचेतन लक्षण भेद उभय पद न्यारे, सम्यक दृष्टि उदोत विचक्षण भिन्न लखे लखिके निर्वारे, ते जग माही अनादि अखंडित मोह महामद के मत वारे, ते जड़ चेतन एक कहे तिन ही की फिर टेक टरे नहीं टारे। टेक टरे नहीं टारे, टेक माने होती जिद, उनकी जिद है वो टाले से नहीं टल रही है। क्यों नहीं टल रही है? क्योंकि मोह रूपी महामदिरा उन्होंने पी रखी है। देखो क्या होता है कि जो शराबी आदमी है, जिसने शराब पी के रखी है, उसकी जिद कैसे उतरेगी? कि जब तक शराब नहीं उतरेगी तब तक उसकी जिद नहीं उतरेगी। तो जिद है, तो ये हमारी जीवों की जो जिद है संसारी जीवों की, वो किस कारण है? कि मोह रूपी मां, देखो मोह महामद के मतवार, मोह रूपी महामदिरा है। अच्छा मोह रूपी मदिरा है, देखो इसमें क्या है, भावार्थ में लिखा है कि भले ही ये जो है 29 प्रकार के भावों से संबंधित है बात, तो ये 29 प्रकार के जो भाव हैं इनको जीव अपना मान लेता है, यही उसका मोह है, और इसी के कारण वो जो है जड़ और चेतन में अंतर नहीं कर पाता है। यही तो एक बात कारण है, यही चीज यहाँ बताई जा रही है ना। फिर आगे के कलश में ये कहेंगे कि भले ही जीव इतना सब कर रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के जीव नहीं नाच रहा है, नाच तो पुद्गल रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि जीव मोह की मदिरा पीकर नाच रहा है। क्या कहा? 43वें कलश में कहा कि जीव मोह की मदिरा पीकर नाच रहा है, स्वयं नाच रहा है। आगे के कलश में कहेंगे कि जीव तो वैसे ही बदनाम हो गया, जीव थोड़े नाच रहा है, नाच तो पुद्गल रहा है। क्यों नाच रहा है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के भेष बना बना करके जीव के सामने आता, तो नाच तो वो रहा है, जीव थोड़े नाच रहा है, ऐसा बताएंगे। देखो मूल संस्कृत वही बसंत लीला छंद है वक्तामर वाली, देखो हिंदी पढ़ देता। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में, चेतन नहीं इस कृत्य में, इस रोल में उसका चेतन का कोई रोल नहीं। देखो आगे ने बात, अभी क्या कह रहा था मैं कि जो चेतन है वो नाच रहा है, कि नहीं चेतन का कोई रोल ही नहीं है। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य, पुद्गल नाच रहा है चेतन उसमें नहीं है। यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है, वर्णादि रागादि। ये लाइन, ये जो कलश पता नहीं, ये पंडित बनारसी दास जी को भा गया, नहीं उनको दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी को भा गया,
और उन्होंने जब अपनी छेड़ाला लिखी तो अंतिम ढाल में उन्होंने छठवीं ढाल में साफ साफ लिखा, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि तैनिज भाव को न्यारा किया। वर्णादि और रागादि से अपने निज आत्मा को अलग अलग कर लिया, किससे कि परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी तीक्ष्ण छैनी अलग अलग कर दिया एकदम। ऐसी बात उन्होंने कहता है, यह जीव तो पुद्गल में ही रागादि से भी भिन्न है, आनंदमय चित भाव तो द्रव ज्ञान में चैतन्य, द्रव ज्ञान दर्शन ज्ञान में चैतन्य ऐसा उसका स्वभाव है। देखो 43वें कलश में कहा था, देखो यहाँ जो बात मैं आपको अभी बोल के बताया ना, अब पढ़ के बता देता हूँ। पेज नंबर 476, 476 पे नीचे का पैराग्राफ है, वहां लिखा है कि 43वें कलश में 43 नंबर के कहा था कि अज्ञानी मोह में नाचता है अथवा मोह नाचता है, और इस कलश में कह रहे हैं कि पुद्गल नाचता है, और चैतन्य मूर्ति आत्मा तो फिर जानता देखता है, उस खेल को जानता है, नृत्य देखता है वो तो है। राग तो नाचने वाला है और आत्मा उसको देखने वाला है, ऐसा है कौन। लेकिन ये कब होगा? जब भेद विज्ञान होगा तब होगा। जब भेद विज्ञान नहीं है तब तक तो जीव ही नाच रहा है। फर्क समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ। 43वें कलश में जो कहा था कि जीव नाच रहा है, ठीक है, और 44वें कहा कि पुद्गल नाच रहा है। तो ये अलग अलग मतभेद नहीं है। जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं है तब तक तो जीव ही नाच रहा है, क्योंकि वो बुलावे में है ना, इसलिए नाच रहा है। और जब भेद ज्ञान हो गया तो जीव तो नहीं नाच रहा, क्योंकि वो तो ज्ञात दृष्टा है, वो तो सब समझ रहा है, हाँ कुछ नहीं मेरा रोल है, पुद्गल नाच रहा है, ऐसा फर्क है ना? अब इस बात को 43वें कलश में और 44वें कलश में क्या डिफरेंस है, इस बात को ये जो है भारी साहब ने बहुत सुंदर लिखा है। ये समय का अभाव है, नहीं तो पूरा पेज पढ़ने लायक है, 477 से लेकर के 78 तक पूरा पेज पढ़ने लायक, गजब का है तुम, गजब। मैं कुछ कुछ बातें इसमें से खास खास बताता हूँ। इसमें ये देखो, इसमें है ना क्या लिखा है, आएगा चलो बताता हूँ। इसमें काफी कुछ है, आप चाहें तो पढ़ लेना, समय की थोड़ी सी मर्यादा है इसलिए। इसमें यही है कि जीव का जो वास्तविक लक्षण है वो कैसा है, मैं बीच में से दो लाइन पढ़ता हूँ। मेरा चैतन्य का परिणमन, आपको शायद नहीं मिलेगा, पेज 77 पर ही है लेकिन थोड़ा बीच में से है। मेरा चैतन्य का परिणमन ही पहचानने का कार्य करेगा। आत्मा को कौन पहचानेगा? मैं खुद ही पहचान, ना तो मैं रागादि भावों से पहचाना जाऊंगा और ना रागादि भाव पहचानने का काम ही करेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं ही नहीं। रागादि थोड़ी आत्मा को पहचान है, मैं ही पहचान, ये मुझ में है ही नहीं, ये तो मुझसे भिन्न पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, अचेतन हैं, जड़ हैं। और इसी चीज को फिर जयचंद जी छाबड़ा ने भी लिखा है। खैर जाने दो, अगले कलश पे आ जाते हैं, 45वां कलश है ना। इत्थम ज्ञान कृकचकलना पाटनम नाटयित्वा जीवा जीवौ स्फुटम विघटनम नैवयावत्प्रयातः विश्वम व्याप्य प्रसव विकसत् व्यक्त चिन्मात्र सत्या यात्री द्रव्यम स्वयमतिरसात् तावदुच्चैश्च काशी। मंदाक्रांत छंद है, 3 बार इसमें यति, 3 बार रुकना पड़ता है एक लाइन पर, तब जाकर इसकी लय बैठती है। इसका हरि गीत है, जब इस तरह धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चला तब जीव और अजीव में अति विकट विघटन हो चला। अब जब तलक हो भिन्न जीव अजीव उसके पूर्व ही यह ज्ञान का घन पिंड निज गायक प्रकाशित हो उठा। देखो ये जो कलश है ये बहुत पसंद है लोगों को, दादा तो इसको कई बार रस ले लेकर के और खूब सुनाते हैं अपने प्रवचनों में, बहुत सुनाते हैं ये कलश में। वो ये इस बात पे जोर देते हैं कि भेद विज्ञान की भावना कब तक भानी, कि जब तक आत्मा आत्मा में स्थापित ना हो जाए। भाव ये भेद विज्ञानम यावत तावत अविच्छिन्न धारया कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठा, जब तक ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित नहीं हो जाए
तब तक इस भेद विज्ञान की भावना को छोड़ना नहीं, भाते रहना भाते रहना भाते रहना। ये बातें ऐसी हैं कि जैसे रमुकार मंत्र की माला पढ़ते ना, ऐसे दिन रात ये पढ़ना, मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं करता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, यही माला जपें ऐसा है। वैसी बात है, ये भी भगवान की वाणी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तो भेद विज्ञान की बात है। देखो इसमें ये कहा कि जब तक ज्ञान में ज्ञान स्थापित नहीं हो जाए तब तक, देखो बहुत एक एक शब्द को समझना हो तो समय जाता है। देखो धारा प्रवाही ज्ञान, धारा प्रवाही कहते हैं निरंतर निरंतर, ऐसा नहीं कि अभी एक घंटा समय साहब पढ़ लिया फिर लग गए विषय कषायों में फिर चले गए कुछ हो गया है, दिन में दो घंटा पढ़ोगे 22 घंटा कुछ और दूसरे कर्म करोगे तो फिर कैसे चले। कह रहे कि अविरल निरंतर धारा प्रवाही, धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चल, आरा मालूम किस, आरा मशीन होती है जिसमें लकड़ियां कटती हैं, टुकड़े होते हैं लकड़ी के है, तो लकड़ी के टुकड़े करती है ऐसी मशीन को आरा मशीन बोलते हैं। तो वो आरा मशीन के जैसे ये जो हमारे आत्मा में जो राग आदि वर्ण आदि है इनको अलग करो, आत्मा को अलग करो, आरा चलना चाहिए है? आरा चला तब जीव और अजीव में अति विघट विकट विघटन हो चला है, विघटन यानी अलग अलग हो गए है। उसके पूर्व ही ज्ञान का घनपिंड निज ज्ञायक प्रकाशित हो गया, फिर ज्ञायक प्रकाशित हुआ। इसमें दो दो बातें आई कि भेद विज्ञान कब तक करना, कि जब तक सम्यक दर्शन हो जाए तब तक करना, एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ कि जब तक केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान तो स्थापित तभी होगा असली, तो दूसरा अर्थ केवल ज्ञान होने तक करना, पहला अर्थ सम्यक दर्शन होने तक, दूसरा केवल ज्ञान होने तक, ठीक है। तो इस तरह से दो अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं। पहले अर्थ में तो स्पष्ट होता है कि ज्ञायक भाव हमारे ज्ञान का के बन गया, और दूसरे अर्थ में यह स्पष्ट है कि सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञायक भाव का सर्वज्ञ स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गए, सर्वज्ञ स्वभाव है जो पर्याय में प्रकट, यानी केवल ज्ञान सर्वज्ञता आ गई पहले अर्थ में। अब यहाँ पर चाहे कोई करुणान योग में जाना चाहे और खूब विशद व्याख्या करना चाहे तो यहाँ पर एक बात ये बताई कि दर्शन मोह के नाश के लिए भी पहली भेदभाव दो स्टेज बनाई ना, एक सम्यक दर्शन की दूसरी केवल ज्ञान की। तो पहली स्टेज पर तो दर्शन मोह का नाश होता है, और दूसरी स्टेज पे जो जाने के लिए चारित्र मोह का नाश करना पड़ता है जब श्रेणी में चढ़ते हैं। तो दोनों स्टेज पर तीन करण रूप लब्धि होती है, पंचमी लब्धि है ना, सम्यक दर्शन के पहले होती है करण लब्धि। तो तीन प्रकार के करण होते हैं। अब इस पर यदि जाना चाहे कठिनाई में, कोई विषय को कठिन बनाना चाहे, करुणान युग की तरफ जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो कि जब तक सम्यक दर्शन हो जाए तब तक आधा काम हो गया, और जब केवल ज्ञान हो गया समझो पूरा काम। तो तब तक ये दो स्टेज पर, पहली स्टेज तो मोक्ष मार्ग में लगाने की है और दूसरी पूरी तरह निर्मोह बनाने की। पहली स्टेज मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर पहुंचने की है, तो दूसरी मोक्ष महल में प्रवेश कराने की है। तो तब तक भेद विज्ञान की भावना भाते रहना चाहिए। इसी का अनुवाद जो है पंडित बनारसीदास जी ने किया, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राजहंस निर्वारे दूध जल को, तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेति, भिन्न भिन्न करे चिदानंद पुद गल को, अवधि को धावे मन पर की अवस्था पावे, उमगी के आवे परमावधि के थल को, याही भांति पूरन स्वरूप को उदोत धरे, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। पुरानी हिंदी है लेकिन पढ़ने में तो आनंद आता है। जैसे करवत एक काठ बीच खंड दो करे, करवत यानी करौत होती है जिसको काठ यानी लकड़ी को काट करके दो टुकड़े कर देते हैं। राजहंस पक्षी है वो दूध में से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही भेद ज्ञान कर लेते हैं भेद विज्ञान की शक्ति से ज्ञानी जन, किसमें पुद्गल में और चिदानंद में। फिर उसके बाद क्या होता है, अवधि को धावे यानी अवधि ज्ञान हो जाता है, मन पर यह ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद परमावधि ज्ञान हो जाता है, है? परमावधि ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है, विशाल ज्ञान होता है, और फिर इससे भी बड़ा पूर्ण स्वरूप यानी कि केवल ज्ञान हो जाता है। फिर सारे सकल पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। कितना सीधा सीधा एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी सारी बात इसमें फटाफट फटाफट सब बता दी है ना। इस तरह से कहने का भाव कुल मिलाकर के हमारे जो 45 कलश पूरे तो हो गए, और इसी के साथ अपना जो है जीवाधिकार, जीवा जीवाधिकार वो भी पूरा हुआ। और अपन ने जैसा कि 38 गाथा के बाद एक समरी की थी पूर्व रंग की,
ऐसे ही अजीव अधिकार की समरी भी जरा 2 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखो ये जो है समरी बहुत छोटी सी है, बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, सीधी बात यह है कि जो 3 हिस्सों में बांटनी है पूरी 20 गाथा, 38 गाथा तो पूर्व रंग में थी, पूर्व रंग के बाद 20 गाथा 30 गाथा और है, ठीक है 68 गाथा है ना, तो 38 निकाल लो, बची कितनी 30, तो 30 गाथा में से 10 गाथा में तो एक बात है, 1 गाथा में दूसरी बात है और 19 गाथाओं में तीसरी बात है। तीन भाग बांट लो, एकदम समरी है ये पूरी समरी है, पूरी 30 गाथाओं की समरी है। तो पहली बात तो ये है, जीव के संदर्भ में 8 मिथ्या मान्यताओं, अध्यवसान, कर्म, अध्यवसान की संतति, नो कर्म, कर्मोदय, अनुभाव है, जीव कर्मोदय, कर्म संयोग, ये सब जो 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं थी, जो 8 प्रकार के दर्शनों पर घटित करके बताई थी उस वक्त, है ना, उनमें कोई जीव नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल के परिणाम है, इनका फल तो दुख है। लेकिन फिर पासा पलट गया, कह दिया कि ये तो व्यवहार से जीव कहे जा सकते हैं, जैसे कि सेना को देखकर कह देते कि राजा निकला ऐसे। तो ये एक प्रकरण 10 गाथाओं तक चला, 30 गाथाओं का हिसाब देना तो 10 गाथा तो ये लो, बची 20, 20 में से एक ही गाथा ऐसी भारी निकली कि जिसने जो है खूब जोरदार खेचा आत्मा का स्वरूप, जबरदस्त नास्तिक रूप में, नास्ती परक तरीके से, आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, अशब्द है, क्या गजब गजब तरीके से 42 मीनिंग वहां पर प्रस्तुत, एक ही गाथा ने कमाल कर दिया। 49वीं गाथा है, 49वीं गाथा के बाद में ऐसी विस्तार वाली गाथा 73 भी आएगी, इसके बाद 73वीं गाथा फिर आएगी ऐसी जोरदार। तीसरा जो है खंड 19 गाथाओं का, 50 से लेकर 68 तक 19 गाथाओं का एक खंड है, उसमें 29 प्रकार के जो भाव हैं उनको कहा कि ये जीव नहीं है क्योंकि ये पुद्गल के हैं, लेकिन फिर भी इनको जीव कहा जा सकता है, जैसे कि रास्ता लुटता है, लुटते तो लोग फिर भी कह देते हैं, ऐसे ही इनको भी जीव कहा जा सकता है और संसारी जीव ऐसे समझ भी लेते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा यदि सच में ही आप इनको जीव मान लोगे तो जीव का अभाव हो जाएगा, जीव और पुद्गल में भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर मुक्त जीव भी ऐसे ही हो जाएंगे, सभी ऐसे हो जाएंगे, है ना। फिर बाद में कहा 64वीं गाथा के बाद से कि इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक है वर्णादि, दूसरा है रागादि, वर्णादि के 9 और रागादि के 20 है। वर्णादि 9 जो है वे तो नाम कर्म से उत्पन्न होते हैं, और जो रागादि 20 हैं वो मोह कर्म के लिए, मोह कर्म से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये पूरे के पूरे 29 प्रकार के भाव मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं, इनसे एकत्व मत तोड़ना है, एकत्व मत तोड़ने की बात है। ये पूरी 30 गाथाओं का सार था, कितने 30 गाथाएं पड़ी उनका सार था। तो इस प्रकार से आज की बात को यही विराम देंगे, और हमारा ये जो है इसी के साथ अनुशीलन भाग एक भी पूरा हो गया, ठीक है, 68 गाथा हो गई और जीवा जीवाधिकार पूरा हो गया। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र, ठीक है जी।